छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में शहीद हुए दो जवानों को गुरुवार को सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। बस्तर आईजी सुंदर राज सहित जिला प्रशासनिक अधिकारी और जवानों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि बुधवार को अबूझमाड़ के जंगल में सर्चिंग अभियान के दौरान नक्सलियों द्वारा की गई फायरिंग में डीआरजी का एक जवान शहीद हो गया था। सड़क सुरक्षा में लगा आईटीबीपी 93 बटालियन का एक जवान नक्सलियों द्वारा लगाई गई पाइप आईडी के चपेट में आने से शहीद हो गया। एक जवान घायल हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम में नक्सलियों के मारे जाने की खबर आई है। जवानों ने नक्सलियों के कैंपों को भी इस बीच ध्वस्त किया है। कांकेर की सीमावर्ती इलाके में नक्सलियों की स्थिति की सूचना का आधार पर विगत दिनों में एक ऑपरेशन संचालित की जा रही थी। इस अभियान के दौरान कल सोनपुर से महाराष्ट्र बॉर्डर की तरफ कुकर गांव के जंगल के आसपास पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ में हमारे जवान कमरे सिंह घायल हो गए थे और उसके पश्चात उनके घायल होने के कारण उनका मृत्यु हो गई थी। उनके पार्थिव शरीर कल स्पॉट से हेलीकॉप्टर के माध्यम से ऑपरेशन करके आज नारायणपुर में लेकर उनके अंतिम सलामी देकर उनके गृह ग्राम पर उनके पार्थिव शरीर रवाना किया जा रहा है।